नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की पूर्ति के लिए प्रबंध करने कर दिए हैं शुरू। आपको बताना चाहेंगे कि सभी 7 उपखंड मुख्यालयों से सिलेंडरों को अधिग्रहण कर जिला मुख्यालय पर एक स्थान पर स्टोर किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी को हनुमानगढ़ जिले के अंदर पूरा किया जा सके। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर दानदाताओं ने दान देने की मुहिम भी शुरू कर दी है। संगरिया के एक दानदाता ने 2 सिलेंडर दान में दे दिए हैं। कलम न्यूज की तरफ से भी अपील है कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर दान स्वरूप देने के लिए आगे आएं, ताकि लोगों की जान को हनुमानगढ़ जिले के अंदर बचाया जा सके। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार मोबाइल नेटवर्क 2G 3G 4G और आगे आने वाले में 5G आने की तैयारी है, उसी प्रकार कोरोना रोग वायरस की पहली अब दूसरी लहर पता नहीं है अब कितनी लहरें मोबाइल नेटवर्क की तरह आगे आने वाले समय में आ सकती हैं। कब कोरोना खत्म होगा, कब लोगों का कोरोना पीछा छोड़ेगा, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर दान देने के लिए आगे आएंगे तो लोगों की जान हनुमानगढ़ जिले के अंदर बचा सकेंगे। और अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें तो 5 विधायक हैं। विधायकों से भी यहाँ कलम न्यूज़ का निवेदन है कि आप विधायक कोष से ऑक्सीजन के सिलेंडरों को और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए आप अपने स्तर से भी जो है को निधि कोष है उससे आप जो है इस ऑक्सीजन प्लांट भी लगा सकते हैं और सिलेंडरों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आपको कोरोना वायरस के चलते इस प्रकार के प्रबंध करने के लिए विधायकों को भी आगे आना चाहिए, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरी बात, हम कई मौक़ों पर भी कह चुके हैं कि पेड़ ऑक्सीजन देने का सबसे उत्तम साधन है। पेड़ जो है पौधों को लगाएंगे, पेड़ बनेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन जो है मिलेगी। हम आज जो स्थिति है देश के अंदर स्थिति है, राज्य की जिलों के अंदर जो स्थिति है, हम ऑक्सीजन को ढूंढने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। चारों तरफ जो है वातावरण प्रदूषण को बना रखा है हमने, इसमें हमारा भी दोष है, सरकारों का भी दोष है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। आगे आने वाले समय में जो है पौधे पेड़ बनकर हमें लाखों करोड़ों रुपए की ऑक्सीजन देंगे। जिस प्रकार अब महामारी आई है इस और ऑक्सीजन की कमी आई है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लोगों ने दौड़ लगा रखी है ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए, हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम पौधे लगाएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम अपने आप स्वयं ही दूर कर सकेंगे, बीमारियों को बचा सकेंगे। इसलिए कलम न्यूज़ की यह निवेदन भी है, यह गुजारिश भी है कि आप जहाँ भी आपको जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए आगे आएँ, वातावरण को प्रदूषण से बचाएँ, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम अपना योगदान देवें। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।